गुड आफ्टरनून गाइस, आज हम जीएनएम थर्ड ईयर का जो सब्जेक्ट है मिडवाइफरी वो पढ़ने वाले हैं। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसकी पिछली क्लासों में हमने जो परप्यूरियम है, क्या होता है, क्या डेफिनेशंस है, क्या क्या सिम्टम्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सबके बारे में डीपली पढ़ रखा है। तो अभी जो क्लासेस अभी हमारी जो चल रही हैं, जो कि ऑनलाइन क्लासेस में जो अभी हमने पढ़ रखा है पहले की क्लासों में, वो था कॉम्प्लिकेशन ऑफ परप्यूरियम। तो इसके आगे के जो टॉपिक्स हमने पहले की क्लासों में पढ़ रखा है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यूरिंग परप्यूरियम, कि परप्यूरियम के टाइम में कौन कौन से साइकोटिक मनोविकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक जो है साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यूरिंग परप्यूरियम। इसमें तीन प्रकार के जो मनोविकार हैं वो हमें पढ़ना है, जो कि फर्स्ट है पोस्टपार्टम ब्लूइस। पोस्टपार्टम ब्लूइस देखने वाले हैं हम लोग, पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है और परप्यूरियल साइकोसिस होता है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पोस्टपार्टम ब्लूइस से। जो पोस्टपार्टम ब्लूइस है वो परप्यूरियम के दौरान लगभग 50% वुमेन्स में इस प्रकार के जो डिसऑर्डर्स हैं वो पाए जाने की संभावना बनी रहती है। और यह बहुत एक माइल्ड मेंटल या फिर माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर आप बोल सकते हैं है, जो कि प्रायः मतलब मेनली ये कब स्टार्ट होता है, डिलीवरी के फोर्थ या फिर फिफ्थ डे में स्टार्ट होता है। और यह जो प्रॉब्लम है वो कब तक बनी रहती है, परप्यूरियम के दौरान या फिर कुछ दिनों तक पेशेंट में बनी रहती है, ये हमारा कहलाता है पोस्टपार्टम ब्लूइश। मैं रिपीट करूँगी, जो पोस्टपार्टम ब्लूइश है वो 50% वुमेन्स में देखने को मिलती है। और यह एक माइल्ड प्रकार की मेंटल डिसऑर्डर है, जो कि डिलीवरी के फोर्थ या फिर फिफ्थ डे के बाद प्रकट होती है। और यह परप्यूरियम के कुछ दिनों तक हमें वुमेन्स में देखने को मिलती है। तो ये हमारा कहलाता है पोस्टपार्टम ब्लूइश। अब हम देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स है, इसके क्या क्या लक्षण है पोस्टपार्टम ब्लूइश के। इसमें जो फीचर्स है मेनली वो एंजाइटी होगा, वो महिला को, उस वुमेन को एंजाइटी होगा, इरिटेशन होगा, मतलब वो छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन या फिर बिहेवियर शो करेगी, डिप्रेशन होगा, वो महिला डिप्रेशन में भी जा सकती है, इनसोम्निया होगा, इनसोम्निया मीन्स नींद नहीं आना या फिर नींद का बहुत कम आना, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, असहायता की भावना उत्पन्न होगा, महिला में ये फीलिंग होगी कि वो किसी की हेल्प नहीं कर सकती या फिर उससे कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ अनरियलिटी, मतलब वुमेन्स को अवास्तविकता की भावना उत्पन्न होगी कि कुछ भी नहीं है, इस टाइप की फीलिंग उसमें आएगी। नेक्स्ट है रेस्टलेसनेस, मतलब वो काफ़ी बेचैनी महसूस करेगी। तो ये फीचर्स हैं जो कि पोस्टपार्टम ब्लूइश के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट, कि इसमें हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो ट्रीटमेंट है वो है किसी, इसमें मेनली ये होता है कि किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है या फिर ये जो एक कॉम्प्लिकेशन है, ये 2 सप्ताह के अंदर ही जो इसके सिम्टम्स है वो स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। तो इसमें कोई भी मेडिकली ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये खुद ही 2 वीक्स के अंदर में जो इसके सिम्टम्स हमें शो हो रहे थे वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं या फिर बंद हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें ये रहता है मेनली कि जो वुमेन्स है उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, उसको हमेशा एक मोटिवेट करना है कि पॉजिटिव रहने के लिए, हमेशा आशावादी रहने के लिए हमें उसे सलाह देनी है कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, ऐसा होगा, आप ठीक हो जाओगे, या फिर जो भी उसके थॉट आ रहे हैं या फिर वो डिप्रेशन में जा रही, तो उन सब चीज़ से हमें उसे कोप अप करने में हेल्प करना है। और उसे हमें स्वस्थ रहने के लिए सलाह देना है कि वो प्रॉपर अपना हाइजीन मेंटेन करें और स्वस्थ रहें। जो नेक्स्ट जो हम इसमें डिसीज पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकंड है, वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है वो क्या होता है कि जो डिप्रेशन है वो एक न्यूरोटिक प्रकार की मानसिक बीमारी है। यह अधिक गंभीर हम बोल सकते हैं तथा लंबे समय तक चलने वाली या फिर लंबे समय तक रहने वाली एक मेंटल डिसऑर्डर है। इसकी शुरुआत धीरे धीरे होती है और इसका लक्षण शिशु के जन्म के 1 साल की अवधि तक देखे जा सकते हैं। तो हमने अभी क्या देखा पोस्टपार्टम डिप्रेशन में, कि पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन है वो एक प्रकार की न्यूरोटिक बीमारी है, जो कि अधिक गंभीर और अधिक लंबे टाइम तक रहती है और इसकी शुरुआत धीरे धीरे होती है और शिशु के जन्म के 1 साल की अवधि तक इसके सिम्टम्स हैं जो नज़र आते हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके क्या क्या लक्षण है। तो इसके जो लक्षण थे वो हैं, महिला में निराशावादी की होगी, मतलब होपलेसनेस, कुछ नहीं हो सकता, वो निराशी रहेगी और उसमें ये फीलिंग रहेगी कि वो होपलेसनेस जो अभी हमने देखा था, असहायता में किसी की हेल्प नहीं कर सकती, मुझ में ये भी फीलिंग रहेगी उसके अंदर कि मुझ में कोई योग्यता नहीं है, मुझ में कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, इस टाइप की जो फीलिंग्स है वो वुमेंस में उत्पन्न होगी। बार बार रोना, वो वुमेन क्या करेगी, बार बार दुखी होगी, बार बार सोच के कि मैं परेशान हूँ, बार बार निगेटिव थॉट्स को सोचेगी और जिसकी वजह से वो बार बार क्राई करेगी। नींद में व्यवधान आना, या तो वो नींद में डिस्टर्बेंस या फिर स्लीपिंग डिस्टर्बेंस में टू टाइप्स के होते हैं, या तो वो बहुत कम सोएगी जिसे हम इंसोमिया कहते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा सोएगी जिसे हम लोग हाइपरसोमिया कहते हैं। फिर है भूख नहीं लगना, महिला को भूख नहीं लगेगी, वो लोगों से अपने आप को अलग रखेगी, मतलब वो लोगों के बीच में नहीं रहेगी, वो अपने आप को अलग ही रखेगी। अपने शिशु की उचित देखभाल नहीं करना, वो वुमेन अपने बच्चे की भी देखभाल अच्छे से नहीं करेगी, वो अपनी ही दुनिया में रहेगी। तो ये फीचर्स थे किसके पर पोस्टपार्टम डिप्रेशन के। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट, इसमें हम लोग क्या क्या दे सकते हैं या फिर क्या क्या जो उपचार है वो कर सकते हैं। तो फर्स्टली जो हम करते हैं वो है रोगी को एंटी डिप्रेशन ड्रग देना, जो वुमेन है या फिर जो भी महिला को ये प्रॉब्लम है एंटी साइकोटिक सॉरी पोस्टपार्टम डिप्रेशन, तो उस महिला को हमें एंटी डिप्रेशन ड्रग्स देना है। उसके बाद है रोगी को या फिर महिला को मनोवैज्ञानिक सहारा देना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी कोप अप करेगी इस प्रॉब्लम से। यदि पेशेंट में निराशावादी भावनाएं मौजूद है तो उसे इस बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करना, इट मीन्स इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से ऐसे थॉट है जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा निगेटिव थिंकिंग उसके माइंड में आ रही है, उसको जानना है और उसे हमें सॉल्व करने में उसकी मदद करना है। नेक्स्ट है, कई महिलाओं में इस प्रॉब्लम के चलते, क्योंकि ये डिप्रेशन प्रॉब्लम है, आप सभी जानते हैं कि डिप्रेशन प्रॉब्लम में जो व्यक्ति रहता है या फिर जो भी पेशेंट रहता है, जो वुमेन रहती है, उनमें बहुत ज़्यादा ये फीलिंग्स आती है कि वो सुसाइड अटैम्प्ट करें। तो यदि ऐसी प्रवृत्ति है तो हमें महिला को या फिर वुमेन को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना है, उससे लगातार मॉनिटरिंग में रखना है, उसके आसपास हमें किसी भी व्यक्ति को, उसके फैमिली मेम्बर्स को, यदि वो हॉस्पिटल में है तो नर्स को हमेशा उसके आसपास रखना ही है। नेक्स्ट है, रोगी में पोषण न्यूट्रिशनल लेवल को बनाए रखना है, पेशेंट में जो न्यूट्रिशन बैलेंस है उसे बनाए रखना है, उनकी बातों को, जो पेशेंट है उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना है, वो जो बात बता रहे हैं या फिर जो प्रॉब्लम्स हमसे शेयर कर रहे हैं हमें उसको प्रॉपरली सुनना है और उसको समझने की कोशिश करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो नेक्स्ट थर्ड लास्ट जो मेन प्रॉब्लम है वो है परप्यूरियल साइकोसिस। परप्यूरियल साइकोसिस से ही समझ में आ रहा होगा कि एक मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें हम देखेंगे कि परप्यूरियल साइकोसिस क्या होता है। जो परप्यूरियल साइकोसिस है ये उन महिलाओं में अधिक होने के चांसेस रहते हैं जिन्हें पहले कोई मानसिक रोग मौजूद था, मतलब पहले से ही वुमेन में कोई मेंटली डिसऑर्डर मौजूद था, या तो फिर उसके फैमिली मेम्बर्स में किसी को भी ये प्रॉब्लम पहले से ही था। तो ऐसे ऐसे वाली कंडीशंस में परप्यूरियल साइकोसिस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हमने अभी परप्यूरियल साइकोसिस में क्या देखा कि यह उन महिलाओं में अधिक होता है जिन महिलाओं को पहले से ही कोई मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम है, या तो फिर उनके फैमिली मेम्बर्स में किसी को मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में परप्यूरियल साइकोसिस ज़्यादा अधिक होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम इसकी शुरुआत, इसमें हम इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं, इसकी शुरुआत अचानक तथा परप्यूरियम अवस्था के प्रथम तीन चार दिनों के दौरान हो जाती है। परप्यूरियल साइकोसिस एक गंभीर प्रकार की मानसिक बीमारी है। जो परप्यूरियल साइकोसिस है वो सडनली स्टार्ट होता है और परप्यूरियम के प्रथम दिन या फर्स्ट डे, थर्ड डे या फोर्थ, मतलब स्टार्टिंग के 1 to 4 days के दौरान यह प्रॉब्लम नज़र आने लगती है और यह एक परप्यूरियल साइकोसिस जो है वह एक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर में आता है। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं या फिर इसमें क्या क्या होता है, इसमें रोगी का संपर्क वास्तविकता से दूर होता है, मतलब जो रियलिटी होती है, जो वास्तव में चीज़ें होती है उससे उसका संपर्क है वो धीरे धीरे दूर होने लगता है, उसे भ्रम उत्पन्न होने लगता है, जैसे कि भ्रम कुछ चीज़ें है ही नहीं और उसके माइंड में वो थॉट्स होगा कि नहीं वो है, या फिर वो अपने आप से ही उसके थॉट्स
जो है वो डिस्टर्बेंस होने लगेंगे, वैचारिक अस्थिरता उत्पन्न होगी, उसके थॉट्स में प्रॉब्लम्स होगी, डिस्टर्ब होने लगेंगे, बिहेवियरल उसका जो है वो डिस्टर्ब होगा, मूड डिस्टर्बेंस, उसका मूड डिस्टर्बेंस होगा, जैसे कि वो सडनली हैप्पी है फिर वो सैड हो रही है, मूड स्विंग्स होंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है पर्प्यूरल साइकोसिस वाले पेशेंट में नज़र आती है। नेक्स्ट हम देखेंगे फीचर्स कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो इसके फीचर्स हैं, इसके लक्षण हैं, जो फर्स्ट है वो है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। ये एक डिसीज़ है, इसमें ये होता है कि किसी भी स्टिमुलस की अनुपस्थिति में भी रोगी को किसी उद्दीपन होने का आभास रहता है। इट मीन्स वहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन उस पेशेंट को क्या उद्दीपन होगा कि वहाँ पर कोई व्यक्ति प्रेजेंट है, तो ये कहलाता है हमारा हेलुसिनेशन। नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट इसके लक्षण है वो है डेल्यूजन। डेल्यूजन में ये रहता है कि फॉल्स फिक्स्ड बिलीव, इट मीन्स कि व्यक्ति को एक झूठा और गलत और परंतु एकदम स्थायी रूप से फॉल्स फिक्स्ड बिलीव, एक विश्वास हो जाता है कि नहीं वहाँ पर कोई है, मतलब है, ठीक है। इस प्रॉब्लम में डेल्यूजन में फॉल्स फिक्स्ड बिलीव होता है। नेक्स्ट है मनोदशा की असमान स्थिरता। उदाहरण के तौर पर आप बोल सकते हो कि अचानक से वो उदास रहेगा और अचानक से वो हंसने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है महिला द्वारा व्यक्ति स्थान समय आदि को सही तरीके से नहीं पहचाना। जो वुमेन है या फिर जो वुमेन है पर्प्यूरल साइकोसिस से ग्रसित, उस महिला को जहाँ पर वो है स्थान समय आदि को वो सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी, या तो फिर आप सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हो कि उसे डिसओरिएंटेशन होगा। नेक्स्ट है अकारण शंकाएं और उत्पीड़न विचार आना, क्योंकि हमने पहले देख रखा है कि इसमें थॉट डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो थॉट डिस्टर्बेंस की वजह से उससे सडनली ही पीड़ा होने लगेगी, दुख होने लगेगा, वो दुखी हो जाएगी। नेक्स्ट है असामान्य तथा चिड़चिड़ाहट या फिर चिड़चिड़ापन होगा, आत्महत्या की प्रवृत्ति होगी, अपने बेबी को लेकर या फिर अपने शिशु को लेकर वो बहुत ज़्यादा निगेटिव थिंकिंग रखेगी, अपने बच्चे के प्रति ही वो उसके माइंड में बहुत सारे निगेटिव थाट्स होंगे और इसी वजह से वो अपने बच्चे की सही प्रकार से देखभाल भी नहीं कर पाएगी। तो ये हमारे जो थे वो थे लक्षण। उसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ पर्प्यूरियल साइकोसिस। तो इसमें हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं पर्प्यूरियल साइकोसिस में, या क्योंकि हमने देख रखा है कि एक गंभीर प्रकार की बीमारी है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम तुरंत ही डॉक्टर की एडवाइस लेंगे या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, और हो सके तो रोगी को या फिर पेशेंट को मेंटल जो असाइलम होते हैं वहाँ पर हमें उसे एडमिट कराना है और एंटी साइकोटिक दवाइयों को उसे देना है। नेक्स्ट है यदि महिला में गंभीर डिप्रेशन लक्षण मौजूद है तो इस स्थिति में एंटी डिप्रेशन ड्रग से देना चाहिए। तो थैंक यू गाइस, आज हमने देखा है कि कौन कौन से साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं जो कि पर्प्यूरियम के टाइम पर होते हैं। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो और आप मुझे बता भी सकते हो। थैंक यू।